वाली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो उसको समान कैटेगरी भी आता है, एससी एसटी तमाम ओबीसी सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। मैम ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही होगा, ना जीते तो ईवीएम में कितनों के सवाल है? 18 के ऊपर। अच्छा, आ रही हो, आ रही हो। मैम मेरा ये सवाल है, देखा मैम मेरा ये सवाल है, सवाल पूछो। सवाल ये है कि अब की बार वोट देने जा रहा हूँ तो मैं इन लोगों को वोट क्यों दूँ? इन लोगों ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या हमारे लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आरक्षण और हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ के युवाओं पर बात नहीं कर रहा, उस पर बात कब होगी? और कब होगी बात, कब होगी? आइए मैम, सबसे पहली बात है, मैम कह रही हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। आप क्यों आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात नहीं करती हैं? कमजोर पिछड़े वर्ग हमेशा सब बात करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तो समान कैटेगरी में भी आता है, एससी एसटी तमाम ओबीसी सब में आता है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है। गरीब गरीब तो अल्लाह का भी, अल्लाह की भी अकीदत रखता है और कृष्ण की भी अकीदत रखता है। एक सवाल, एक सवाल। मेरा क्वेश्चन अजय आलोक जी से है। सर कह रहे कि देशद्रोही, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो? रुको जरा, सबर करो। ओके, 90 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के जिस पे वोटर्स है, उस कंट्री में बैलेट पेपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप सोचते ये पॉसिबल है तो किस तरीके से आपने प्लान किया इसको? ओके मैम, ये कह रहे हैं ईवीएम में दिक्कत है, अगर ऑपोजिशन कहीं जीत जाए तो ईवीएम सही है, अगर ना जीते तो ईवीएम में गड़बड़। और कौन? डिबेट की शुरुआत हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर से हुई है। विकास के पे कब बात करेंगे आप लोग? जब भी चुनाव आता है हिंदू मस्जिद। ओके, विकास पे कब? सिस्टमेटिकली एक ही कम्युनिटी को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या बीजेपी एंटी इस्लाम है? एंटी इस्लाम? मैम आज राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर एक पेपर एक अपर कास्ट वाला सेट करता है तो उसमें हमेशा दलित फेल होते हैं। कांग्रेस एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, हम देश को एक करेंगे, मगर जब उनका जो मेन चेहरा राहुल गांधी, वही यहाँ पर दलित और एससी एसटी ओबीसी डिविजन की बात करते हैं। मैम यहाँ पे सब लोग डिविजन की बात करते हैं, कोई मुस्लिम को आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है, अभी जैसे मुस्लिम है उन लोगों को अल्पसंख्यक बताया जाता है और उन लोगों के घर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, मैम वो धीरे धीरे करके अल्पसंख्यक रह ही नहीं गए हैं। बात तो सही है। और तभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, मैम ये तो गलत चीज हो गई ना। ऐसे तो फिर हिंदू भी आएंगे, फिर क्रिश्चियंस भी आएंगे कि हमें भी आरक्षण चाहिए। पर आपको कैसे पता कि सिर्फ मुसलमान है जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मैम क्योंकि हमें, मैम हमें दिखता है ना हर जगह पे, हम लोग जैसे हमारे क्लासमेट्स हैं तो उसमें अगर तो धारणा है। लालू जी के कितने बच्चे हैं? लालू जी कोई मोहम्मद लालू थोड़ी है। हाँ क्या ये भाजपा ने सिखाया है, माइंड में डाला है इनके कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं? सर्वे करिए जा करके आप, ये मिथ है, इसको प्रमोट किया गया है, इस्लामोफोबिक है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। कितने भाई बहन हैं? बाबा साहब को 14 भाई बहन थे। मैम ये तो अपवाद हुआ ना। अब एक सेकंड, मैं एक सेकंड फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। भाई साहब रुकिए ना एक सेकंड, फैक्ट्स पर बात कर लें। वो पॉपुलेशन सेंसस जो होती है और जो ग्रोथ रेट होती है, ये तो आप भी जानते हैं ना, जो हिंदुओं की रिप्रोडक्शन रेट थी और जो मुसलमानों की रिप्रोडक्शन रेट है, उसमें अंतर आया है कि नहीं आया है? ये तो आप जानते ही है ना। आपको एक चीज को मानना पड़ेगा, किसी बच्चे ने अभी प्रश्न किया था कि रिजर्वेशन आपने किया था, शायद आपने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन आप एक बात को समझिए, अभी जब 30 साल पहले का जो रिजर्वेशन में जब कंपटीशन में एससी एसटी के बच्चे बैठते थे, बड़ी आसानी से हो जाता था, आज नहीं होता है, वो भी टफ होता जा रहा है। रिजर्वेशन अपने आप नेचुरली हटेगा जब एक एससी एसटी कैटेगरी में कंपीट करने वाला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी में कंपीट वाला कैंडिडेट सेम मेरिट पर नंबरों पे सेलेक्ट होगा। ये उसका तरीका है। लेकिन दूसरी बात, गरीब होने के बाद भी आज की सच्चाई ये है, आज की सच्चाई ये है कि दलितों की बेटियों को आज भी उच्च जाति वाले अपने घरों में बहुओं के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिमोट एरियाज में। ये सच्चाई है। आज भी मैट्रिमोनियल के कॉलम्स में आज भी जाति के हिसाब से चले जाइए किसी मैट्रिमोनियल कैसी दलील दे रहे हैं कि एससी एसटी को पहले आसानी से हो जाता था, अगर वो तबका पढ़ लिख गया है
उन तबके में आपस में कंपटीशन हो गया है और उनको बड़ी मुश्किल हो रही है एग्जाम कंप्लीट करने में, तो ये उनके लिए अच्छा समय है या बुरा समय है? कैसी बात कर रहे हैं, चुप रहो यार, अभी बीच में नहीं बोल रहे थे, चुप रहो, अच्छा समय है तो अच्छा समय है, अच्छे दिन है तो अच्छा दिन, रिजर्वेशन जरूरी है, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि SC ST क्यों ज्यादा पड़ गए, ये कौन सी बात, ये मिसगाइड कर रहे हैं, की रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कितना सही बयान है, ये वो क्या कह रहे हैं कि अगर निचले तबके के आदमी को क्वेश्चन पेपर सेट करने देंगे तो अग्रिम जो जाति है वो फेल हो जाएगी। मैं जवाब देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं से माफी मांगना चाहती हूँ इस बात का कि यहाँ पर डिबेट सच में आपके लिए नहीं हो रहा, आपके लिए रोजगार की बात नहीं हो रही, आपके भविष्य की बात नहीं हो रही है, अच्छा सिर्फ किसकी बात हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुस्लिम, अरे ताली बजाने से पहले ध्यान रखो लालू प्रसाद यादव ने दिया है आज मैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरा आपको बता दूं मैम, मैं जेएनयू से हूं, आपको अभी आंकड़ा देकर जाऊं, आरक्षण पर बयान किसने दिया है कंचना जी, आपको देकर आरक्षण पर बयान किसने दिया है, नहीं आप यहां जनता को आकर आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही है, लालू प्रसाद यादव टेलीविजन मुस्लिम मंगलसूत्र, लालू प्रसाद यादव का बयान किसने उनसे दिलवाया है कंचना जी, आपने मुद्दा बनवाया ना, संविधान खतरे में है, आपने मुद्दा बनाया ना, करते हैं और आपको लगता है कि हम इसमें डिबेट कर पाएंगे रोजगार पर, देखिए ताली अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है, आरक्षण का मुद्दा हम कभी ना उठाते, अगर लालू प्रसाद यादव आज बैठ के ये ना कहते कि हाँ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपको दुख हुआ क्या, आपको दुख हुआ क्या कि मैंने रोजगार पर मैंने यहाँ पर बात कर लिया और बच्चों ने ताली बजा दिया, अरे इसी देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं यार, कहाँ से मिलेगा आपको रोजगार, अभी अभी न्यूज आया कि नीट का भी शायद पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 साल में 17 पेपर लीक हो गए हैं, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है और डबल इंजन की सरकार है इनकी, और चक्र देख लीजिए, आप इतना चीख चीख कर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, ताल ठोक कर बता दीजिए कि मैनिफेस्टो में पेपर लीक पर कानून बनाने का कौन सा आपने वादा कर दिया है, अभी बताइए, अभी बताइए, कर वादा किया है हमने, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या, अपना मैनिफेस्टो बताइए ना, हमने 4 लाख 4 लाख 5 लाख नौकरी दिया, अरे नौकरी भी बचाइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है ये बताइए ना, पेपर लीक पर कौन सा कानून बनाया है, यहाँ पर दंगला रहे हैं आप बैठकर युवाओं को, पेपर लीक कर दिया भाजपा लो, एनडीए रूबिका जी, मैं रूबिका जी, बेरोजगारी और महंगाई से आप लोग भाग रहे हैं क्या, एकदम नहीं भाग रहे, हमने तो इसका सामना किया है, चुनौती लिया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, हम युवाओं की बात करते हैं तो हम हिंदू युवा मुसलमान युवा की बात नहीं कर रहे जो ये लोग कर रहे हैं, 4% मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए भाई, युवा खाली मुसलमान में है, हिंदुओं में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है, एक मिनट एक बीच में बोलिए, ये चिल्ला रहे और ये लालू यादव को डिफाइन कर रही है ना, ये लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है, एक मिनट RJD की प्रवक्ता लालू यादव को ही डिफाइन कर रही है, कंफ्यूजन तो यहाँ है, इनके नेता कुछ बोलते हैं, प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है देश को दशा दिशा की, ये मोहब्बत है कि वो उनको डिफेंड कर रहा है, इनको डिफेंड कर रहा है, 4 जून में बीतने दिए, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे, एक दूसरे को भागते फिरेंगे, ये लोग हैं कहां, ये लोग हैं कहां, कुछ नहीं होगा, आप ये बता दो, मैं एक बात आपको, आज चलिए घोषणा कर दें, अरे आज घोषणा करें मेरे, अरे एक मिनट, मैं घोषणा करवाती हूं, एक सेकंड बस, 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं करवा रही हूं, ऐसा है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज लोग का कोई घोषणा नहीं होगा, ठीक है ना, कम्युनिस्ट अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती जा रही है, इस देश में जरूरत नहीं है इनकी, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम देश को जब तक समृद्ध नहीं रखेंगे, एक लड़के ने मुझे कहा आपने देशद्रोही कहा, क्यों कहा, मैं बताता हूं क्यों कहा, उसका रीजन है, हमारे अगल बगल में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोफाइल्ड नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक हमारे से ज्यादा है, और अगर हमारे देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे, ये देश विरोधी सोच है, ये देश विरोधी मानसिकता है, और ऐसे लोगों को देशद्रोही कहना पड़ेगा आपको, फारूक अब्दुल्ला उधर पाकिस्तान वहां पे कश्मीर से कहते हैं पाकिस्तान ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और CPI कहती है कि न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दो, देशद्रोही नहीं कहूं तो क्या कहूं इनको, देश प्रेमी कहूं इनको, समझ में आया, ये इनका यही योगदान है, इमरजेंसी में
कांग्रेस के तलवे चाट रही थी, अकेली अकेली पार्टी थी जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, यह कम्युनिस्ट पार्टी। जो आलोक जी से है, सवाल यह है कि कह रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ये नहीं कहता है, लेकिन जो मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, अगर सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देखें, ऐसा ऐसा भी जगह है जहां मुसलमान दलित और एससी एसटी से ही पिछड़ा हुआ है, क्यों ना उन्हीं मुसलमानों को ओबीसी में लाकर उनका उद्धार किया जाए, एजुकेशनली इकोनॉमिकली उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें मजबूत करेंगे देश की पर इनकम कैपिटल मजबूत होगी, हमारी जीडीपी मजबूत होगी, देश का डंका विदेश में जब बजेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैंने कहा धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जहां तक रही मुसलमानों की पिछड़ी जाति जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए मंडल कमीशन में ऑलरेडी प्रोविजन है मेरे भाई, पैरा 12 पढ़िए, मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आप धार्मिक आधार पे तुष्टिकरण के आधार पे मुसलमानों को ओबीसी का समूह नहीं बना सकते, ये इस देश में हम नहीं बनेंगे जो ये चाहते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप क्यों खत्म किया आपने, जिसकी सबसे उठा के जामिया मिलिया, जामिया मिलिया इस्लामिया इसी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है 2011 में एसटीएससी ओबीसी का आरक्षण यहां खत्म कर दिया। एक सेकंड माहौल मत बनाइए ना, सबसे ज्यादा आईएएस मुस्लिम बच्चे इस बार इनकी सरकार में आए हैं। ना किसी रिलीजन के बेस पे, सिर्फ गरीब आदमी को तो जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है सिर्फ उसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मजा आया। तो भाई देखा जाए जनता के सवाल बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे कि उन्होंने एक एक टंच हर एक सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस या आरजेडी या बीजेपी, भाई सारी पार्टियों से सवाल पूछा गया और उनका प्रॉपर जवाब मांगा गया है। और जो हमारी एंकर है रूबिका जी, भाई उन्होंने कंचना यादव जी से क्या बढ़िया सवाल पूछा, जैसे वो पेपर लीक का बार बार मुद्दा उठा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक हो गए, यहाँ इतने पेपर लीक हो गए, रूबिका जी ने सिंपल सा एक सवाल पूछा कि आप इतना चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है आपको पता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आपकी सरकार ने इसके लिए अपने मैनिफेस्टो में क्या जारी किया है, तब वो एकदम चुप हो गई। और बात की जाए मुस्लिम आरक्षण की, जो कि लालू यादव जी ने बात की, वो सवाल जब रूबिका जी ने जो है कंचन यादव जी से पूछा तो भाई वो एकदम चुप, वो इधर उधर की बात कर रहे, मंगलसूत्र और ये और वो फलाना ढिमकाना बयान, भाई और बयान से हमें नहीं मतलब है, अभी जो सवाल है वो लालू यादव जी के बयान के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया, सीधा सीधा आपको उसका उत्तर देना है, आप इधर उधर की बात करके केवल आप बच रही हैं सवाल से और कुछ नहीं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, इसे और अमेजिंग डिबेट सेशन के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगला वीडियो में किस डिबेट बनाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले डिबेट में।